हेलो गाइस, तो मेरे साथ हो गया है आज स्कैम। क्या हुआ कि मैं सुबह उठ गई थी मैं पूरी रात सोई नहीं, एक तो मैं मेरी शक्ल देख के दिख रहा होगा क्योंकि हॉस्टल में भाई पूरी रात लड़कियां होली मना रही थी, ठीक है, और ये नहीं देख रही कि किसी का एग्ज़ाम है या कुछ भी, लोग सो भी रहे हैं। नहीं भाई, उन्हें नहीं देखना, ठीक है, बोल के भी आई पर नहीं मानी वो। फिर क्या, फिर मैं सोई नहीं पूरी रात और सुबह उठी मैं 7 बजे, 7, समझ रहे हो, 7 कितना लेट हो जाता है। मैं उठी हूँ 7 बजे, उसके बाद मैं आराम से, मैंने सोचा मैं गई हूँ मैस, फ्रेश होके मैं मैस में पराठे लेके आ गई, खा लिए। फिर मैं ऐसे ही कुछ कुछ सोच रही हूँ कि कल तो मेरा एग्ज़ाम है, लाइफ साइंस का एंट्रेंस है। फिर एकदम से याद आता है कि आज तो थर्सडे है ना कि फ्राइडे है, कि मेरी 1 बजे से लैब नहीं है, आज तो पूरे दिन मेरी क्लासेस हैं 8:30 से 5। ओ भाई, फिर जो मैं भागी हूँ ना, फिर मैं 5 मिनट में नहा के आई हूँ, रेडी हो के अब मैं कॉलेज पहुँच गई हूँ, बट देख सकते हो कोई नहीं आया। अब ये अलग स्कैम हो रहा है कि कोई नहीं आया है। भाई मैं क्या करूं यहाँ बैठ के, अब 8:30 तो हो गए, ना टीचर आई है अभी, ना और कोई बच्चा आया है, ओनली मैं आई हूँ, खाली देख रहे होगे पूरी तुम क्लास। आज कितना गंदा स्कैम हुआ मेरे साथ। फिर भाई सब आ जाते हैं, कुछ बच्चों का टेस्ट होता है और कुछ बच्चे जिनकी प्रेजेंटेशन रह गई थी वो प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। जा रही हैं कुछ कुछ खाने, बता क्या खाएंगे आज, हम थाली खाएंगे कॉलेज स्पेशल थाली, कुछ अच्छी नहीं, पता नहीं कैसी होगी, देंगे रिव्यू, पहले खा लेते हैं, ट्रेटी हूँ। हम जाते हैं थाली खाने, पर यहाँ हम पहुँच जाते हैं नेस्कैफे लॉन में, यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगी हुई थी, फिर यहाँ पे हम कुछ खरीदते हैं क्यूट से टॉय, और फिर हम भाई कुछ नहीं मिलता खाने को, और फिर हम थाली की जगह खाते होते हैं पेटी। फिर भाई हमारी होती है लैब 5 घंटे की, और हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं और बातें भी बना रहे होते हैं। तो ये हमने कुछ किया था ODD, ओटोलॉनी डबल डिफ्यूज़न करके, ये एक्सपेरिमेंट है, तो ये हमने किया। और फिर हमने ये इलेक्ट्रिक करंट से स्प्रेड आउट करवाया, और फिर हमने लिया छोटा सा ब्रेक क्योंकि हमारी मैम चली गई थी लंच करने के लिए। बस आज का इतना ही था, फिर मैं वापस आ रही होती हूँ कॉलेज से, तो देखती हूँ कि बच्चे होली खेल के आ रहे होते हैं कहीं से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।